पाठ 18 केन कथम केन किसके द्वारा किससे कथम कैसे किस प्रकार पितामह केन चलति पितामह दंडेन चलति उष्ट्रह केन खजह अस्ति उष्ट्रह पादेन खजह अस्ति सह केन काणः अस्ति सह नेत्रेण काणः अस्ति सा केन स्वागतं करोति सा पुष्पगुच्छेन स्वागतं करोति अहं केन जिघ्रामि अहं घ्राणेन जिघ्रामि छात्रः केन कार्यं करोति छात्रः संगणकयंत्रेण कार्यं करोति गजः केन जलं पिबति गजः शुण्डेन जलं पिबति जनाः केन विदेशं गच्छन्ति जनाः विमानेन विदेशं गच्छन्ति माता केन सह भ्रमति माता पुत्रेण सह भ्रमति बालिका खेलति बालिका केन सह खेलति सा मित्रेण सह खेलति गजः पादेह चलति नरः पादाभ्यां चलति अर्णवः पाठं पठति सः कथं पठति सः ध्यानेन पठति सः खेलति सः केन खेलति सः कंदुकेन खेलति सः लिखति सः केन लिखति सः कलमेन लिखति सः आपणं गच्छति सः केन गच्छति सः कार्यानेन गच्छति विशेष जिस वस्तु या विधि से कोई कार्य किया जाता है उसमें तथा अंगों का विकार बताने वाले शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है सह साथ शब्द के साथ वाले शब्द में भी तृतीय विभक्ति होती है